हाय एवरीवन, आज हम दूध से पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए हम पतीले में 2 चम्मच पानी डाल देंगे। ये हमने फुल क्रीम की 1 किलो का एक पैकेट लिया है, इससे हम पनीर बनाएंगे। इसका पनीर बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनता है। ये कच्चा दूध है, इसको हम पतीले में डाल लेते हैं। पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध को हम अच्छे से चला चला के उबाल लेते हैं ताकि इसमें मलाई जो आए ना उसके अंदर, इस तरीके से हिलाने से मलाई ऊपर नहीं आएगी। अच्छे से उबालेंगे इसको। उबलने के बाद इसको हम फाड़ेंगे। दूध हमारा उबल चुका है, गैस हम बंद कर देते हैं। आधी कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका। पानी में मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास नींबू हो तो इसी तरीके से नींबू का रस निकाल के थोड़ा उसमें पानी मिला लीजिए। इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरीके से, और हल्के हाथों से इसे मिलाते जाएंगे दूध में। ये देखिए दूध फटने लगा है थोड़ा थोड़ा। 1-2 चम्मच हम फिर डालेंगे। एक एक चम्मच करके हम डालते जाएंगे। 2 चम्मच डालेंगे और इस तरीके से हम हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, छेना निकल आया है, दूध फट गया है अच्छे से। जब ये पानी पीला हरा सा दिखे ना तो ये समझिए अच्छी तरह से इसमें छेना निकल गया है। कितना बढ़िया और अच्छा पनीर निकला है। अब इसको हम छान लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। सीम आँच पे हमने 1 चम्मच सिरका और आधी कटोरी पानी डाल के इसको फाड़ लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। छेना को हम पानी से अलग कर लेते हैं इस तरीके से, छलनी में तरीके से। छेना हमने अलग कर लिया है और पानी दूध का हमने अलग कर लिया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये पानी बहुत अच्छा होता है। इससे आटा गूंद लीजिए या काला नमक डाल के, काली मिर्च डाल के वैसे भी पियोगे तो ताकतवर होता है ये पानी। इसको हम पतीले पर रख लेते हैं। 1 पोना लेंगे किचन टॉवल, इसको हम इसमें डाल लेते हैं पनीर को इस तरीके से। इसको, इसका जो भी पानी है थोड़ा बहुत वो निकल जाएगा, इस तरीके से निकाल लेते हैं। 1 प्लेट लेंगे, इसको हम इस तरीके से कपड़े में लपेट के एक भारी सा वजन लेके, जैसे चकला है, इसको हम रख लेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये पतीला रख लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि पनीर हमारा सेट हो जाए, जम जाए। आधा घंटा हो गया पनीर को हके हुए, हमें देख लेते हैं इसे। ये देखिए पनीर एकदम अच्छे से जम गया है। इसको हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर इतना सॉफ्ट और मुलायम पनीर बनाए। अब इसको हम क्यूब्स में काट के दिखाते हैं आपको। क्यूब्स में हम काट लेते हैं पनीर को। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छे से कट रहा है ये। अब इसका आप जो भी बनाना चाहें, पालक पनीर बनाएं, चाहे मटर पनीर बनाएं, चाहे शाही पनीर बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा इसका। हमने जो दूध से पनीर बनाया, घर का शुद्ध
और अच्छा अपने हाथों से बनाया हुआ। ये देखिए अब आप इसको पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हमने पालक आलू बना रहे हैं, इसके अंदर भी हम पालक पनीर की तरह यूज़ कर सकते हैं। पालक में हम पनीर के क्यूब्स डाल देते हैं, ये बन गया हमारा पालक पनीर। इसी तरीके से आप पनीर की कुछ भी सब्जी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।